आज रियल एनालिसिस का थ्योरम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो रीमान स्टेलजिस इंटीग्रल का छठा थ्योरम है। स्टेटमेंट पे जरा गौर करते हैं। इफ f इज मोनोटोनिक देन f बिलोंग्स टू r अल्फा ऑन a कॉमा b वेयर अल्फा इज कंटीन्यूअस ऑन a कॉमा सा है वो आपका टारगेट है। मोनोटोनिक और कंटीन्यूअस का जो ख्याल अल्फा और f के बारे है ये आपने नज़रियात इस्तेमाल करने हैं, और f बिलोंग्स टू r अल्फा जो है ये नज़रिया, ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट साबित करना है। तो मोनोटोनिक और कंटीन्यूअस को थोड़ी सी डिस्कस करेंगे और फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। तो कंटीन्यूअस की वजह से अल्फा इज कंटीन्यूअस की वजह से आप इसको डेल्टा अल्फा आई इज इक्वल टू अल्फा बी माइनस अल्फा आई ओवर एन ये ख्याल कर सकते हैं, और एन को भी मुतारफ करवा दिया गया है कि वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, और एप्सिलॉन आप खुद ही जानते हैं कि ऑलरेडी रिकमेंडेड है, इंटरनेशनल है, एटलीस्ट बट पॉजिटिव। सिंस एफ इज मोनोटोनिक ऑन ए कॉमा बी नीचे पार्टीशन है। मोनोटोनिक की बात को समझने के लिए ग्राफ पर चलते हैं। ये ग्राफ नजर आ रहा है आपको, यहां से ले ये ऐसे जाना, ये है कम से ज्यादा की तरफ बढ़ना, इसे कहते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सेंस। तो थोड़ा सा देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ में, ये है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ये कॉन्सेप्ट है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन हो, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग हो, मोनोटोनिक तो कहलाता है। लफ्स मोनोटोनिक के ये तीन इमेजिनेशंस, क्लियर। थ्योरम में हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सेंस को यूटिलाइज कर रहे हैं, ये वाला जो स्टाइल है नीचे से ऊपर की तरफ, जिसमें हर नेक्स्ट वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो प्रीवियस वर्टिकल डिस्टेंस से ज्यादा है, और ये वाला जो नीचे ग्राफ है ये बिल्कुल तस्वीर में नहीं आना चाहिए, इसलिए बना के क्रॉस लगा दिया है। चलिए जरा पीछे चलते हैं। तो यहाँ पे एक तो ये डेल्टा अल्फा आई जो है इसे संभाल के रखना है, और ये मोनोटोनिक के लफ्ज को हमने आपके सामने पेश किया कि इसके कौन से कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, और इस थ्योरम में अब कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो जेर इस्तेमाल है। तो पार्टीशन को आप पहले जानते हैं, एक्स एन इज इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं और एक्स नॉट इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं, और ना भी लिखें तो यही तस्वीर आपको करना होगा। यहाँ पे एक बात करते चले जाए, ये जरा डिस्कशनेबल बात है। कौन सी बात? ये जो बात नजर आ रही, चूंकि फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो हर वर्टिकल डिस्टेंस प्रीवियस वर्टिकल डिस्टेंस से, हर नेक्स्ट वर्टिकल डिस्टेंस प्रीवियस वर्टिकल डिस्टेंस से कम होगा। अगर इन दोनों को हम डिस्कस करें, ये जो वर्टिकल डिस्टेंसेस हैं, तो इसमें से ये जो है ये इंक्रीज्ड है और ये डिक्रीज्ड है एज कम्पेयर टू दिस, एज कम्पेयर टू नेक्स्ट वर्टिकल डिस्टेंस। जो नेक्स्ट वर्टिकल डिस्टेंस है उसे कैपिटल एम से जाहिर किया जाएगा, और जो प्रीवियस वर्टिकल डिस्टेंस है उसे स्मॉल एम से जाहिर किया जाएगा। यही बात यहाँ पे फर्ज की गई है, सपोज की गई है कि ये जो नेक्स्ट वर्टिकल डिस्टेंस है एक्स आई और एक्स आई माइनस वन, ये पिछला पॉइंट है एक्स आई का, यानी ये एक्स आई माइनस वन यहाँ पे एक्स आई से पिछला पॉइंट है ये वाला, और एफ एक्स आई माइनस वन ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है जो एक्स आई माइनस वन पे है, और एफ एक्स आई पे जो वर्टिकल डिस्टेंस है एक्स आई ये ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये एक्स आई जो है ये एक्स आई माइनस वन से ज़्यादा है, नेक्स्ट है, और नेक्स्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन की बात हो रही है, ये वाली लाइन हर नेक्स्ट पॉइंट प्रीवियस से बड़ा है, इसी तरीके से हर वर्टिकल डिस्टेंस भी प्रीवियस वर्टिकल डिस्टेंस से बड़ा है। तो जो भी आपके जरिए और दो वर्टिकल डिस्टेंसेस होंगे उनमें से जो बड़ा डिस्टेंस होगा वो नेक्स्ट ही होगा, और प्रीवियस जो होगा वो छोटा होगा, और जो नेक्स्ट होगा उसको कैपिटल एम से जाहिर करेंगे, और जो प्रीवियस होगा उसको स्मॉल एम से जाहिर करेंगे। अब ज़रा बात को तवज्जो से सुनना है, अगर ये ख्याल में रख लो दो वर्टिकल डिस्टेंस, तो ये एम कैपिटल होगा और ये स्मॉल एम होगा,
लेकिन जब आप इन दोनों को डिस्कस करोगे, ये कैपिटल होगा और ये फिर स्मॉल हो जाएगा, जो कैपिटल था ना इसके साथ कंपेयर होते हुए वो स्मॉल एम से जाहिर किया जाएगा। तो ये गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। मेरा ख्याल है कि आपको कैपिटल एम और स्मॉल एम की अब समझ आ चुकी होगी, यानी कि अगर हम यहाँ पे एम थ्री कर दें इधर, इस वक्त जो एम टू है वो फिर स्मॉल एम टू हो जाएगा। अगर इसके साथ कैपिटल एम थ्री आ जाए तो ये जो कैपिटल एम टू है फिर उस कैपिटल एम थ्री की वजह से इस एम टू को स्मॉल एम टू से जाहिर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये फिर छोटा होगा एक जब इसके साथ बड़ा डिस्टेंस वर्टिकल होगा। अब चूंकि वो नहीं है इसलिए सिर्फ यही है और इसके साथ स्मॉल एम को यूज नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि ये बात आप तक पहुंच चुकी है, अंडरस्टैंड कर ली होगी आप। चलें नेक्स्ट बात पे चलते हैं। तो चूंकि हमारा टारगेट जो था वो ये था f बिलोंग्स टू r अल्फा, और इसमें हम आपको गोश गुजार किए थे कि काशी क्राइटेरियन जो है वो कॉन्सेप्ट यूज करना, जिसमें ये वाला कॉन्सेप्ट इफ एंड ओनली इफ के साथ लिखा हुआ है कि अपर सम और माइनस लोअर सम अगर लेस देन एप्सिलॉन हो तो फिर हम f बिलोंग्स टू r अल्फा, और अगर f बिलोंग्स टू r अल्फा हो तो फिर ये कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो शुरू में आपको इस बात का इदराक होना चाहिए कि हमने जब ये मकसद अचीव करना है तो फिर हमको ये सीन दिखाना होगा कि अपर सम और लोअर सम का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है। तो इस बात को यहाँ से बढ़ाते हुए ये वाली बात यहाँ से जो आवाज़ कर रही है, यू नो डेट सिग्मा एम आई सिग्मा कैपिटल एम आई डेल्टा अल्फा आई इज इक्वल टू अपर सम एंड सिग्मा स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फा इज लोअर सम, बेसिकली इनकी ये वैल्यूज लगी हुई हैं। अगर हम इसे ओपन कर दें तो ये रिजल्ट आते हैं। तो सिग्मा को हमने इधर रखा है, ये वाली जो हमने सपोजिशन अभी पीछे ग्राफ के नीचे आपको दिखाई थी ये उसका इस्तेमाल करते हुए ये लिख लिया हमने एफ एक्स आई और एफ एक्स आई माइनस वन, क्योंकि ये कम है डिस्टेंस और ये ज़्यादा डिस्टेंस है और दोनों ही वर्टिकल डिस्टेंस है और ये हमने सपोज किए हुए, और इसको भी हमने पहले यूज़ किया और अल्फा डेल्टा डेल्टा अल्फा की वैल्यूज शुरू में बाद में दी हुई है। अब जरा गौर करो इसमें वेरिएशन आ रही है, आई वेरी करेगा तो ये भी रिजल्ट वेरी करेंगे, मगर इसमें तो आई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लिहाजा सिग्मा की वेरिएशन सिग्मा की जो तब्दीली है सिग्मा को जब हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर ये तो बदल बदल के आएंगे, मगर ये जो है ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इस पर कोई सिग्मा का असर नहीं है, तो ये फ्री फ्रॉम दिस सिग्मा, इसलिए इसे शुरू में कर लेंगे। फिर जब सिग्मा एंड तक यहाँ पर पहुँच जाएगा तो इसका जो एंड आएगा वो ये आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब यहाँ पे जो कुछ भी है इस लेफ्ट साइड पे देखो तो हमने लेस देन एप्सिलॉन जो लेके आना है, तो वो कैसे लेके आए, आप ये हवाला इस्तेमाल कर सकते हैं भाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, जिसका कंसेप्ट आपके सामने पेश किया गया है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये पॉजिटिव ये रियल नंबर जो है पॉजिटिव है, फिर इसके बदले में क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, सच में क्या होगा एन एक्स ग्रेटर देन वाई, यहाँ पे हमने y ओवर n लेस देन x लिखना था, यहाँ पे लेस देन का साइन आना चाहिए, ये ज़रा गलती से आ गया है तो लेस देन x होना चाहिए, यानी कि ये जो कुछ भी है ये जो भी फ्रैक्शन है वो क्या है लेस देन अ पॉजिटिव रियल नंबर, तो इसको ऐसे अप्लाई करोगे ये सारा कुछ जो है अल्फा बी माइनस अल्फा ए इंटू एफ बी माइनस एफ ऑफ ए, कंसीडर करोगे ये y है नीचे ये n है और ये सारा कुछ जो है वाई ओवर एन तसव्वुर कर लो, और लेस देन एप्सिलॉन यानी कि किसी पॉजिटिव रियल नंबर से कम तसव्वुर किया जा सकता है बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। पेपर में आपने ये सारा कुछ इस तरह वाई ओवर एन तसव्वुर करके लेस देन एप्सिलॉन लिखकर आगे हवाला दे देना है बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, सारा कुछ ये जो मैंने लिखा हुआ ये नहीं लिखना, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि इसमें होता क्या है क्या क्या है रिमाइंड किया गया है, पेपर में ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पेपर में बस इतना लिखना है बाय by Archimedean property we can write down after looking this in we can write down less than epsilon, ये सारा कुछ इस लफ्ज के अंदर Archimedean property के लफ्ज में ये सारी कहानी जो है वो पीना है वो खुद ही रीडर फील कर रही है, लेकिन आपके सामने समझाने के लिए ये सारा कुछ लिखा, पेपर में स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपको
नाम आपने लिख लिया है, इसके बाद आप एफ बिलोंग्स टू आयल अल्फा भी कह सकते हैं। और आगे इसका हवाला भी दे सकते हैं कि ये जो बात आपने देखने के बाद ये जो लिंक इसका इसके साथ एडजस्ट कर दिया है इसका क्या हवाला हो सकता है, तो वो ये देना है कि काशी बाई काशी क्राइटेरियन इंटेग्रेबिलिटी यानी इंटेग्रेबिलिटी या फिर इंटेग्रल बाई काशी क्राइटेरियन इंटेग्रल की वजह से इसको देखने के बाद अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन देखने के बाद एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा हम लिख सकते हैं। तो ये एप्सिलॉन को लिखने की फिलॉसफी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी और इसको एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा लिखने की ये सारा कुछ देखने के बाद आर बिलोंग एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा लिखने की फिलॉसफी बाई काशी क्राइटेरियन, यहाँ पे दो फिलॉसफी आपको देनी है, चाहे आप ये बात नीचे लिख लें और फिलॉसफी इसकी जो काशी क्राइटेरियन वो नीचे लिख दें और एप्सिलॉन के आगे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लिख दें, तो ये दो स्टेप बना दें इसके, तो ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू सो मच।